गोरखपुर में शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर मात्र 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक कोरोना संक्रमित मरीज 86 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,424 पहुंच गया है। इनमें 20,981 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 360 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 83 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत सांस ली है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शुक्रवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो कैंट थाना क्षेत्र में एक मरीज मिला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के चरगावा भटहट में एक एक और गोला थाना क्षेत्र में दो मरीज मिला है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।